हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिवाली फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, तो मैं साखे बनाने जा रही हूँ। और मैंने उसमें 2 कप मैदा लिया है और मैंने उसमें आधा रवा डाला है, आधा कप। अब मैं उसमें अजवाइन डालने जा रही हूँ। फेस्टिवल पे जब तक अपने हाथों से अपने घर में कुछ ना बनाइए, तब तक फेस्टिवल का कुछ पता ही नहीं चलता है। जब फेस्टिवल में जब अपने हाथों से कुछ बनाइए तो लगता है। मैं इसमें मोइन डाल रही हूँ, देखिए इसमें मैंने 2 चमचे मोइन लिया है। और इसको मिला के अच्छे से मैश करिए खूब, और अपने स्वाद अनुसार नमक अपने मिलाइए। आटे को इतना मैश करिए, खूब अच्छे से मैश करिए, मिलाइए कि मोइन जो है खूब बढ़िया, जितना आप उसको मलेंगे उतना ही बढ़िया मोइन तैयार हो जाएगा। जब आप अपने मोइन को अच्छे से मिला लेंगे तो आपके देखिए ऐसे लड्डू बनने लगेगा मोइन में। ये देखिए, ये इस तरह का बनने लगेगा खूब अच्छे से मैश करके। ये देखिए आप लड्डू बन गए। इसके बाद मैं देखिए धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करूँगा। अभी देखिए मेरा मोइन अच्छे से मिला लेने दीजिए। अभी और मिलाएंगे, बढ़िया से मैश कर लेंगे इसको। खूब अच्छे से हो जाएगा तब मैं इसमें पानी से इसको आटे को खूब बढ़िया गूंदूँगी। देखिए हमारा मोइन बन के पड़ के तैयार हो गया आटा, कितना बढ़िया। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमारे आटे को देखिए ऐसे बन गया आराम से। तो मैं इसको अब इसमें पानी ऐड। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा। देखिए आटे को खूब अच्छे से गूंद करके आटा खूब बढ़िया, बहुत न टाइट न बहुत सॉफ्ट, आटे को बढ़िया से अच्छे से आटे को मैश बढ़िया से गूंद करके आटा सान के तैयार करिए। आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्तों। देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद रही हूँ। देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गूंद रही हूँ। बढ़िया सा आटे का डो बना लीजिए खूब चिकना, और जब इसका बढ़िया सा डो बन जाए तो इसको 5 मिनट के लिए आटे को रख दीजिए। ये देखिए मेरा आटा बढ़िया गूंद के तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, उसके बाद फिर इसको ये देखिए मैंने इसको आटे को गूंद के रख दिया है। मैं इसको भी 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी कपड़े से, और फिर मैं इसको 5 मिनट के बाद फिर इसको थोड़ा सा मैं सही करके तब मैं इसकी साखें बनाऊंगी। देखिए मेरा आटा, ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको रख दिया। मेरा आटा 10 मिनट के लिए रेस्ट कर दिया है। फिर मैंने इसमें हाथों में हल्का सा ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको ले लिया है। अब मैं इसके छोटी छोटी सी पेड़े बनाऊंगी। मैं इसका देखिए ऐसे पेड़ा बना करके तैयार करूंगी, ऐसे पतली सी रोटी की तरह से मैं इसको। अच्छा ये देखिए मेरी लोई तैयार हो गई है। मैं इसको रोटी की तरह पतला बेलूंगी। इधर तब तक मैं कढ़ाई पे अपने कढ़ाई जला के मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, और फिर तब तक मैं इसको बेल करके काट करके फिर मैं इसको साखे बनाती हूँ। तब तक मैं अपनी देखिए मैं अपनी मैंने गैस जलाई और कढ़ाई चढ़ा के मैं इसमें रिफाइंड डाल देती हूँ। तब तक मेरा रिफाइंड अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद इसमें साखे बेल करके काट के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी बढ़िया से बिल के तैयार हो रहा है। ये देखिए पतला पतला बेलिए रोटी की तरह इसको।
जैसे रोटी की जितनी मोटाई होती है, देखिए मैंने इसको रोटी की तरह से चारों तरफ से पतला बराबर बेल लिया है इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये देखिए मेरा बिल करके तैयार हो गया है। तो ये मैं इसको पतला पतला, जैसे आपको जिस तरह का खाना हो, लंबी पतली छोटी जैसे आपको काटना हो, ये मेरी कट के शाखें तैयार हो रही हैं। तब तक इधर कढ़ाई में हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसको इसमें काट के मैं तैयार करती हूँ और मैं उसमें डाल के फ्राई करती हूँ। देखिए हमारी शाखें कट के तैयार हो गई हैं। ये देखिए हमारी शाखें कट के बिल्कुल तैयार हैं, एकदम रेडी। इधर हमारी कढ़ाई भी का तेल भी गर्म हो गया है, ऑयल भी रिफाइंड मैंने कढ़ाई में डाला था वो भी गर्म होने लगा है बिल्कुल। तेल में कि जब ये ऊपर आ जाएगा तो मेरा तेल गर्म होने लगा है। देखिए हमारा तेल गर्म होने लगा है, मैं इसमें अब साखे डालूंगी। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए ये हमारा अब हमारी कढ़ाई खूब अच्छे से गर्म हो गई है, अब मैं इसमें साखे डालती हूँ। फेस्टिवल पे जब तक अपने हाथों से घर में कुछ ना बनाइए तब तक त्यौहार का मज़ा ही नहीं है। फेस्टिवल का कुछ लगता ही नहीं है, मार्केट से तो सभी लोग खरीद लाते हैं, अपने घर में अपने हाथों से बनाने की कुछ बात ही दूसरी होती है। हाँ पता नहीं, घर में बनाने से अपने ऑयल की शुद्धि का पता चलता है कि हमारा ऑयल सही है, हमारा सामान मैदा सब चीज़ सही है। बाहर पता नहीं कौन से ऑयल में क्या चीज़ें बना के देते हैं, तो इसलिए मुझे बाहर का तो ज़्यादा पसंद नहीं, मैं तो घर में ही हर चीज़ ज़्यादा बनाती हूँ। मैं कोई भी फेस्टिवल आता है तो मैं अपने घर में ही तरह तरह के पकवान बना लेती हूँ। साखें भुन के तैयार हो रही हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया भुन के मेरी साखें पिंक कलर में बिल्कुल आ रही हैं तैयार होकर। ये मेरी भुन के तैयार हो गई हैं, अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर। गोल्डन ब्राउन बढ़िया सुंदर से भुन गई है, ये देखिए मेरी भुन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल के रख लिया है। कोई मेहमान आए तो आप उसको नाश्ते में लगा सकते हैं, चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। शाम को हल्का नाश्ता खाने का मन होता है। ये देखिए हमारा मोइन कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया, कितनी बढ़िया सॉफ्ट बढ़िया हमारी शाखें बन के तैयार हो गई हैं। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।